फ्रेंड्स, सुमन आर्ट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं लीफ स्केलेटन। इसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, लेकिन वो सिंपल बनाई थी, आज हम कलर में बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ये कुछ पत्तियाँ लेंगे। ये मैंने पीपल की पत्तियाँ लिए हैं। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम पानी भर लेंगे। बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें पत्तियाँ अच्छे से डूब जाएँ। इसके बाद हम इन पत्तियों को इस पानी में डुबा कर रखेंगे। इस तरह से हमें इन्हें 15 से 20 दिन तक डुबा कर रखना है, और बीच बीच में 2 या 3 दिन में इसका पानी हम चेंज करते रहेंगे। ये देखिए, इन्हें भीगे हुए 3 दिन हो चुके हैं, अभी इनमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पत्तियों को भीगे हुए 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और एक काफ़ी जगह से ये क्लीन भी हो गई है। अब हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। इन्हें तैयार करने के लिए फ्रेंड्स, हम इस तरह इन्हें हल्के हाथ से साफ़ करेंगे। ये हमें बहुत हल्के हाथ से करना है, इसे प्रेशर नहीं डालना है। प्रेशर डालेंगे तो ये टूट जाएंगी। ये स्केलेटन लीफ की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, बट उस समय मैंने प्लेन बनाई थी, इस बार हम कलर्ड बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब साफ़ हो चुकी है, ये लीफ अब तैयार है। इसी तरह से हम बाकी पत्तियों को भी साफ़ करेंगे। इसके बाद हम इन्हें साफ़ पानी में धोएंगे। ये देखिए, ये इसमें थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं पर हरा हरा दिख रहा है, लेकिन ये सूखने के बाद बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल साफ़ दिखेगी। इसके बाद हम ये साफ़ पानी लेंगे। अब इसमें येलो वाटर कलर डालेंगे, आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब हम अपनी पत्तियों को इसमें इस तरह से डुबा कर रखेंगे। ये हमें कम से कम 10 मिनट के लिए इसमें डुबा कर रखनी है। इसे हम इसमें डुबा कर ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए, इन्हें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक प्लास्टिक शीट यहाँ पर फैलाएंगे, और उसके ऊपर इन्हें निकाल कर सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये हमने निकाल कर यहाँ पर रख दिया है। अब इसे हम अच्छे से सूखने देंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने येलो कलर यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी कलर इसमें कर सकते हैं। आप ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू, कोई भी कलर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पत्तियाँ अब सूख चुकी हैं, इनका कलर अब येलो हो चुका है। ये देखिए, ये तैयार है। ये कुछ पत्तियाँ हैं, इनमें मैंने कोई कलर नहीं किया है, ये विदाउट कलर है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ ग्रीन पत्तियाँ भी तैयार की हुई हैं, और ये कुछ ऑरेंज। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।